दो रीति निशा। जब आप कह रहे थे ना कि मेरे को तकलीफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, पता नहीं लगन दी आपने तो, पता ही नहीं लगन दी हो और क्या। पेट में दर्द है और बच्चे में गांठ भी तो बताइए। गांठ भी बताइए। और कब से पता है गांठ के बारे में? 2-3 महीने तो ज्यादा परेशान। 2-3 महीने से ज्यादा परेशानी है? उससे पहले सही थे बिल्कुल? हाँ वैसे मैं दवा ले ली हुई। पीरियड्स ज्यादा आते हैं या? अब ज्यादा पीरियड्स और पेट में दर्द है। इनका बच्चेदानी के अंदर एक गांठ है 3.5 सेंटीमीटर की और इनको पेट में दर्द की प्रॉब्लम है और महीना ज्यादा आता है, इसी के लिए इन्होंने बीमारी को नहीं पालते हुए आज ऑपरेशन कराने का डिसीजन लिया है। इनका दूरबीन से बच्चे दिकन्नी निकालने का ऑपरेशन यानी यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन या स्टेकमी ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तो जब एक आज इनका ऑपरेशन होगा तो कल हम आपसे मिलवाएंगे इनसे। आज आपको कोई डर लग रहा है ऑपरेशन के बारे में कि ऑपरेशन होगा तो क्या? कोई डर नहीं। चलो अच्छी बात है, बहादुर मरीज है हमारे, इनको किसी प्रकार का डर नहीं है। तो ये अच्छे से फिर कल बात करेंगे कि देखे कितना क्या रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका सर्जरी के। ठीक है। आफ्टर सर्जरी और कोई दिक्कत हो रही है? हाँ कुछ दिक्कत। कुछ खा लिया पी लिया क्या? हाँ चाय बिस्कुट खा ली। अच्छा और रात को भी कुछ खाया था? हाँ रात को कुछ नहीं खाया, पानी पिया था? नाली पानी पिया था? पानी पानी पिया नाली। तो ऑपरेशन जो डर लग रहा था अब लग रहा है क्या? अब तो नहीं लग रहा। कल आप कह रहे थे ना कि मेरे को तकलीफ हो जाएगी, ये हो जाएगा, पता ही नहीं लगन दी आपने तो, पता ही नहीं लगन दी हो और क्या। सही बात है। तो देखा ऑपरेशन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है ना? नहीं कुछ नहीं। तो अपन डरते ही ज्यादा डरे ज्यादा है। अब दूरबीन के ऑपरेशन में ये फायदा देखो, निशान भी देखो, ये एक दो रीति निशा, ये थोड़े पट्टी हटा हो गए ना, उसके बाद पता भी नहीं चलेंगे। अच्छा। जो टांके लगे हैं वो घुलने वाले लगे हैं, अपने आप साफ हो जाएंगे। ठीक है। निशान भी नहीं पड़ेंगे। और ये जो पट्टी लगी है ये वाटर प्रूफ है, उसे आप पूरा आराम से नहा सकते हो। ये पट्टी गीली होगी तो अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। जरा बताओ जो लेडीज डरती है उनके लिए क्या मैसेज दोगे? यही मैसेज देंगे, आप तो वहां जाओ। ऑपरेशन से डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए, डर नहीं डरने लगे। इलाज कराना चाहिए और का नहीं, परेशान है जब इलाज जरूरी। इलाज घूम के दिखाओ जरा एक बार। सबको यही डर लगता है कि सीढ़ियां चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा डर है। 7 दिन बाद भी हमसे पूछते हैं आगे कि हम सीढ़ी चढ़ जाएं क्या। मतलब मेरा तो अस्पताल पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, हर मरीज सीढ़ी चढ़ के आता था, सीढ़ी उतर के ही जाता था, उसमें दिक्कत आती। ये फायदा अपना दूरबीन वाले ऑपरेशन से होता है, जिसमें पेट पे कट नहीं लगा, चीरा नहीं लगा और उसके बाद में ये आराम से घूम फिर पा रहे हैं। इसी कारण हम इनको जल्दी खाना पीना बता पाते हैं, इसी कारण हम आज से कल ऑपरेशन के रात डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। तो सारी परेशानी वहीं से शुरू होती, चीरा लगने से वहीं खत्म हो जाती। सब्जी डाल लेना, थोड़ा मसाला डाल लेना, नमक वगैरह डाल लेना, दलिया। हाँ दलिया में सब्जियां डाल लेना खूब सारी, वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल उपमा, चाट मसाला, चाट मसाला डाल सकते हो। वो भी ऐड कर लेती हूँ, चाट मसाला भी।